हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी शॉर्ट है बट काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो देखिए, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आपके वीडियो पे कोई व्यू नहीं आ रहा है, तो ये इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसके बाद आपकी वीडियो में काफ़ी सारे व्यूज़ आने लगेंगे। तो देखिए, सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये देखना है कि क्या आप इनिशियल बूस्ट देते हैं अपने वीडियोस को। आप में से कई महानुभव ऐसे होंगे या जिन्होंने मतलब ऑलरेडी इस पर काफ़ी रिसर्च की हुई है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, इससे इनवैलिड क्लिक्स आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इनवैलिड क्लिक्स क्यों आते हैं और हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इनिशियल बूस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आज के टाइम में भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी ये करता है और करना चाहिए। बट जैसे कि कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, वैसे ही अगर आप इनिशियल बूस्ट जो देते हैं उसकी अगर आप अति कर देंगे तो ये इनवैलिड क्लिक्स में आ जाता है। अब मैं जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यार, जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे ना, तो सिंपल क्या होता है, आपको भी बहुत तलब लगी होती है कि यार हमारे व्यूज़ आए कैसे आए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम फटाक से अपना मोबाइल खोलते हैं, खुद ही वॉच करने बैठ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यही प्रोसीजर को फॉलो करना है एक दूसरे तरीके से, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको वैसा करिए तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, चैनल के लिए भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है फ्रेंड्स, क्रोम ओपन कर लेना है, चाहे आप अपने सिस्टम में करें या अपने मोबाइल में करें, और उसमें आपको चले जाना है इनकॉग्निटो मोड में। VPN डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, मैं इसको वैसे इतना प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा, आपको करना है तो करिए, नहीं तो इनकॉग्निटो मोड इज सफिशिएंट। तो अगर आपने VPN भी डाउनलोड कर लिया, चलो VPN भी चला लो, इनकॉग्निटो मोड में डाल लो क्रोम को, और उसके बाद आपको क्या करना है, YouTube पे जाना है, YouTube सर्च करके ओपन करना है, और YouTube पे सर्च पे अपने वीडियो का टाइटल डालना है, वही वीडियो जो आपने अभी अपलोड किया है रिसेंट में, ठीक है। अब आपको उसको व्यू करना है, पूरा एंड तक व्यू करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। व्यू अच्छा करेंगे तो इसमें जो आपका रिटेंशन रेट है वो काफ़ी हाई जाएगा, तो ऐसा आपको कर लेना है। फिर उसके बाद, क्योंकि हम लोग सब कंटेंट क्रिएटर तो हम लोग जानते ही, हम लोग की मल्टीपल आईडीज होती हैं, क्योंकि हम अपने जो कंपटीशन है उनको भी कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं हमारी दूसरी आईडी से, तो हमें क्या करना है, हमारी वो दूसरी आईडी को नॉर्मल हमारे यूट्यूब ऐप पे जाके ओपन कर लेना है, यूट्यूब ऐप फॉर मोबाइल, और क्रोम पे तो आप फिर नॉर्मल यूट्यूब, इसमें अगर आप करेंगे तो नॉन कॉग्निटो मोड से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें आपको जाके ओपन करना है, फिर से एक बार देख लेना है। तो ये आपने दो बार देख लिया, ठीक है। अब ऐसे ही आपको आपके फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन से भी कर लेना है। तो देखिए, किसी के भी फैमिली में आजकल ऐसे तो होता नहीं है कि कंबाइंड फैमिली बहुत बड़ी, 15-20 लोग हैं, हर किसी के उसमें गिनती से ज़्यादा दो माँ बाप हो गए, दो बच्चे हो गए, ऐसा करके ज़्यादा से ज़्यादा चलो 5 या 6 लोग होंगे, ठीक है। तो 6 बार आपने व्यू कर लिया उसको, अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, तो बस आपको ये बंद कर देना है। अब उसके बाद जो YouTube करेगा उसका क्या एल्गोरिथम, ये देखेगा कि इन्होंने वीडियो देखा है, ठीक है। ये जो व्यूज़ हैं ये आप नोट करोगे तो ये व्यूज़ बाद में YouTube मैनेज करके हटा भी देता है, क्योंकि YouTube को समझ में आ जाता है कि ये आपकी आईडी से देखे गए, क्योंकि जो इनकॉग्निटो मोड वाले उनको तो वो एनालिसिस नहीं कर पाता, मगर जो हम अपनी आईडी से देखेंगे उनको वो एनालिसिस कर लेता है और उसको वो हटा देगा। मगर जब तक वो हटाएगा तब तक हमारा प्रॉफिट हो चुका होता है उसमें, क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर रिटेंशन रेट बहुत हाई हो जाता है, तो कस्टमर रिटेंशन रेट हाई होने से यूट्यूब का जो एल्गोरिथम रहता है वो हमारे वीडियोज़ को सर्च रैंकिंग में काफ़ी हाई शो करने लगता है, तो इसको कहते हैं इनिशियल बूस्ट। इनिशियल बूस्ट मिलने के बाद क्या होता है कि जो हमारा वीडियो रहेगा, ये वीडियो हमारा सर्च में दिखता रहेगा, तो जो भी नया व्यूअर है वो ज़रूर उसको देखेगा और वो उसको चेक करेगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, नहीं तो व्यू तो आपको मिलेगा उससे, ठीक है। अब इसी में कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, कि वो 10-15 आईडी से उन्होंने देख डाला और वो रोज़ यही काम कर रहे हैं। तो जब मोनेटाइजेशन के लिए आप जाओगे तो ये आ जाएगा इनवैलिड क्लिक्स की कैटेगरी में, और ये जैसे ही इनवैलिड क्लिक्स की कैटेगरी में आएगा आप मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा आपका, आप नहीं करा पाओगे। तो ये ध्यान रहे कि आपको इसमें अति नहीं करनी है, एक नॉर्मल देखना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। तो ये हो गया दोस्तों इनिशियल बूस्ट। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। देखिए, इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो बहुत है, क्योंकि अभी आपका सब्सक्राइबर बेस है ही नहीं, ठीक है, और है भी तो बहुत कम है, 500 के नीचे या 100 के नीचे, तो ज़्यादा लोगों के पास आपका वैसे ही नहीं जाने वाला, ठीक है। और वो 100 में से भी कितने आपका देखते हैं, वो उनको नोटिफिकेशन आता है वो इग्नोर कर देते हैं। तो इनिशियल बूस्ट बहुत ज़रूरी है, ये मैं सबको करूँगा कि करने के लिए। और बाकी देखिए, अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो
तो आपको ये देखना है कि आपने अपना जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, टैग्स है, ये सही डाले हैं कि नहीं डाले। और अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो यहाँ पे एक टैग आ रहा होगा, उस पर आप जाके क्लिक कर लीजिए। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है और काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको इससे फ़ायदा भी हुआ है। तो दैट बीइंग सेड दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप शेयरिंग।